हेलो कुशनप्रीत, गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग बेटे, क्या काम किया? माय वो मदर एट 66। मदर एट 66 हो गया। क्या हाँ जी सर, पूरा क्या सर काम किया उसका? 5 शॉर्ट क्वेश्चन करे थे और 40 वेरी शॉर्ट करे थे। वेरी गुड। एमसीक्यूज हाँ जी कॉपी में सब लिख लिए? यस सर वेरी गुड। कॉपी है आपके पास? दिखाओ, यस सर कैमरा ऑन करो। सलोनी, गुड मॉर्निंग। सलोनी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सलोनी, काम किया आपने? हाँ जी, क्या काम? सर वेरी गुड। कौन सी? कुशलप्रीत ने सर बहुत अच्छा काम किया। वेरी गुड। एमसीक्यूज दिखाओ क्लोज से। वंडरफुल, शाबाश, सुंदर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुशील कुमार एंड शालिनी। शालिनी यस इज देयर? वेरी गुड। चलिए कॉपी दिखाओ अपनी अपनी। माई मदर एट 66। हु इज द पोएटेस? हुसन। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग शालिनी। कुशन सर। प्रीत, हु इज द पोएटेस? कमला दास। कमला दास। कमला नेम द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का नाम बताओ हिमानी। व्हाट इज द नेम ऑफ द एयरपोर्ट शी इज गोइंग टू? What airport she is going to? कोचिन। कोचीन। वेरी गुड। नहीं, ये तो शिवानी नहीं बोली ना, हिमानी, कोई और बोला। राइट। चलिए विकास, वेलकम। पीयूष जोशी, वेरी गुड। विकास कॉपी दिखाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कॉपी बनाई है? हाँ जी। दिखाओ कैमरा ऑन करके। विकास आप दिखाओ। वेरी गुड। और सुंदर लिखो भाई पीयूष। वेरी गुड। चलिए विकास आप बताएं। आप वेरी गुड, गुड बॉय। चलिए आज का टॉपिक कौन बताएगा? अभिषेक, आज हमने टॉपिक डिसाइड किया पहले, क्या करना है आज हमने? व्हाट हैव वी टू डू? मैसेज पढ़ा क्लास का? व्हाट इज द टॉपिक? जी व्हाट इज द टॉपिक मदरवा। टुडे? हाँ, क्या कह रहे हैं अभिषेक? आर्टिकल सर जी। आर्टिकल्स? नो, तो देखा ही नहीं तुमने टॉपिक। चलिए आज हम टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे और टाइम बचा तो फिर आर्टिकल्स की भी करेंगे, लेकिन आज मुझे लगता है हम टेंसेस की प्रैक्टिस कर पाएंगे और मैं जो फ्राइडे को की क्लास होगी उसमें आर्टिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। राइट? तो टेंसेस हम सब ने सीखे हुए पहले, तो आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। सर यस, कौन बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज हमें तो आ रही है, सर हमें भी आ रही है आपकी आवाज। बाकी सबको आ रही है ना? तो बेटे दोबारा ज्वाइन कर लो, हाँ रीजॉइन जी आ अगेन। रही है जी। ये लड़की जो बोल रही है, कौन बोल रही है? ये दोबारा ज्वाइन करे। चलिए ये देखो, दिख रहा है सबको स्क्रीन? यस सर। वेरी गुड। चलिए आज हम ये टेंसेस की पूरी प्रैक्टिस करेंगे 35 मिनट तक।
fill in the correct form of the verb all tenses. जिसको टेंस पहचान में आए वो बताएगा अनम्यूट करके. दे डैश इन शिकागो फॉर 20 years. फॉर 20 years, 20 सालों से शिकागो में रह रहे थे या 20 सालों से शिकागो में रह रहे हैं, ये है इसका. तो कौन सा टेंस हो सकता है? Who will guess? Guess करो. जी पास्ट इंडेफिनिट. नो जी पास्ट कंटिन्यू. पास्ट कंटिन्यूस भी नहीं है. फॉर 20 years, 20 सालों से काम जो है पिछले 20 सालों से चल रहा है. बोलने के समय तक, पिछले 20 सालों से बोलने के समय तक. 20 साल क्या हो गए? परफेक्ट. और अभी जब हम बोल रहे हैं तो ये क्या हो गया? कंटिन्यूस. तो क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूस. 20 साल क्या हो गए? परफेक्ट 20 साल, है ना. और अभी भी वो रह रहे हैं वहीं शिकागो में, ये क्या हो गया? कंटिन्यूस, इजंट इट? तो क्या बन गया फिर ये? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कब बनता? जब एक और टाइम का यहाँ पर इंडिकेशन होता, एक और टाइम दिया गया होता. तो अभी ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ध्यान देना है. क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में? पिछले कुछ समय से बोलने के समय तक चल रहे कामों का वर्णन किया जाता है. पिछले कुछ समय से बोलने के समय तक, जैसे हम कह रहे हैं हम सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं. सुबह क्या है? परफेक्ट पास्ट हो गया ना. और अब तक कर रहे हैं बोलने के समय तक, तो क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो इसमें क्या आना चाहिए लीव की जगह? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं? हैज बीन या हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं. ये लिखते रहो साथ साथ कॉपी पेन से. क्या करेंगे? हैज बीन या हैव बीन का. तो क्या दे के साथ क्या लगेगा? हैज या हैव? कुशनप्रीत, दे के साथ हैज लगाएंगे कि हैव? हैव बीन. वेरी गुड. चलिए लिख लो अब ये. हैव बीन लिविंग. हैव बीन लिविंग पहले में. दे हैव बीन लिविंग इन शिकागो फॉर 20 years. LIVING. बी के बाद का ई कट जाएगा. LIVING लिविंग हो जाएगा. क्लियर सबको? विकास सर. Yes, sir. क्या बना बोलो? They have been in Chicago for twenty years. They have been living. LIVING living. Right. Second sentence. I dash a wonderful film in the cinema last night. Last night से tense की पहचान होती है भाई. News बताओ. Last night tense बता रहा है. Verb की form. Past indefinite sir. Very good. Last night, yesterday, the day before. पास्ट का कोई समय दिया गया है ना, कोई सन दिया, जैसे 1992 दिया गया या 2005 दिया गया, तो ये क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट. अब पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब लगती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म. वेरी गुड. वर्ब की सेकंड फॉर्म. और अगर नॉट दिया गया हो तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म. नॉट दिया है तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म. तो यहाँ बताओ सी का क्या बनेगा भाई? आई डैश ए वंडरफुल फिल्म. छोटू, सी, सी की सेकंड फॉर्म. सी की सेकंड फॉर्म बताइए. सीन जी. नो. विकास, सी की सेकंड फॉर्म. सुशील सर. था saw. S-A-W saw. S-A-W. तो क्या आ गया इसमें?
I saw a wonderful film in the cinema last night. Second form क्यों आई? क्योंकि last night है. Last night किसका indication है? Past indefinite का. जो camera on कर सकते हैं सभी camera on कर लो बेटे. जिनका net ज्यादा कमजोर है वो चाहे रहने दो. हाँ चलिए पुसन प्रीत के लिए है next sentence. The sun dash at 6:38 yesterday morning. Yesterday morning. कौन सा टेंस हुआ? Yesterday morning. अभी मैंने बताया पीछे yesterday. किसकी पहचान है? Past indefinite की. Very good. तो दूसरा और तीसरा एक ही टेंस है. Past indefinite. तो दूसरे में कौन सी फॉर्म आई थी सी की? Second. सेकेंड फॉर्म क्या थी? सॉ. और इसमें राइस की सेकेंड फॉर्म क्या आएगी? रेज. नो, राइस की सेकेंड फॉर्म बताओ भाई. विजय. विजय राइस की सेकेंड फॉर्म अनम्यूट करके. राइस की सेकेंड फॉर्म दीप. रोज. वेरी गुड. राइस की सेकंड फॉर्म क्या हुई? रोज. आर ओ एस ई. द सन रोज एट 6:38 यस्टरडे मॉर्निंग. कल सुबह सूरज 6:38 पर निकला था. चलिए अभिषेक नंबर 4 क्वेश्चन. द सन डैश व्हेन द क्लाइंबर रीच्ड माउंट एवरेस्ट. When the climber reached Mount Everest, जब पर्वतारोही Mount Everest पर चढ़ा, reached, ये कौन सी फॉर्म होगी? सेकंड फॉर्म होगी. Indefinite. हाँ, ये indefinite फॉर्म है past की, past indefinite है. लेकिन past indefinite में एक और काम चल रहा था, sun. ये कौन सा टेंस हुआ फिर? पास्ट में किसी निश्चित समय पर. यस पास्ट कंटीन्यूअस. पास्ट में किसी निश्चित समय पर कोई काम चल रहा था तो वो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. वेरी गुड. क्या लगता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में? हैज बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. ये बेटे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लगा था पहले में. ये पहला क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. हैज बीन हैव बीन लिविंग लगा था इसमें. ये है पास्ट में किसी निश्चित समय पर कोई काम चल रहा हो तो पास्ट कंटिन्यूअस है. और पास्ट कंटिन्यूअस में के साथ आईएनजी लगेगा बस. हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इज एमआर वाज वर्ब में से पास्ट में? वाज या वर्ब? Was. तो क्या बन गया? The sun was shining. Shining when the climber reached Mount Everest. Shining लिखो. Was shining. S H I N I. E कट जाएगा यहाँ भी. Live के साथ ing जोड़ेंगे तो क्या कट गया? E. Living. E. और shine के साथ ing जोड़ेंगे तो क्या कटाया? E. Shining. तो ये सेंटेंस हो गया द सन वाज शाइनिंग व्हेन द क्लाइंबर रीच्ड माउंट एवरेस्ट. राइट. अभिषेक के साथ दूसरा बच्चा अमन है शायद, है ना? अमन के लिए है आई प्रोमिस दैट आई डैश दिस सीक्रेट टू एनीवन. आई प्रोमिस. प्रोमिस किस में जाएगा भाई? प्रेजेंट में, फ्यूचर में या पास्ट में? प्रेजेंट में सर जी. आई प्रोमिस. प्रोमिस प्रेजेंट में है लेकिन किसके लिए किया जाता है? फ्यूचर के लिए. तो प्रोमिस से क्या पता चला है? ये टेंस फ्यूचर है. आई प्रोमिस दैट आई दिस सीक्रेट टू एनीवन. ये बात ये रहस्य मैं किसी को नहीं बताऊंगा. ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा. कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर इनडेफिनिट. तो प्रॉमिस के साथ क्या लगाना है हमने? विल या शैल?
I promise that I shall not tell this secret. ठीक है? I shall not or will not दोनों लगा सकते हो. Will not ज्यादा ठीक है promise के लिए. Will not promise के लिए ज्यादा ठीक है. Tense के हिसाब से कौन सा ठीक है? Will not. Shall tense के हिसाब से. लेकिन जब promise आ गया तो ये मॉडल हो गया तो इसके लिए ज्यादा अच्छा कौन सा रहेगा? Will. तो आप will वाला लिख लो. I promise that I will tell. I will not tell. Sorry. Will not tell. Will not tell. Tell. लिख रहे हो ना सभी? Yes, yes sir. साथ साथ लिख लेना फिर इन इनको सेंटेंसेस को बाद में वीडियो रोक के लिख लेना. मैं वीडियो भेजूंगा आपके पास. चलिए अब है शालिनी नंबर 6 सेंटेंस. अनफॉर्चुनेटली जस्ट एज वी गॉट टू द एयरपोर्ट. वी गॉट टू द एयरपोर्ट गेट गॉट गॉटन गेट गॉट 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 कौन सी फॉर्म हो गई? सेकेंड. गॉट कौन सी फॉर्म हो गई? सेकेंड फॉर्म हो गई गॉट. और सेकेंड फॉर्म का मतलब क्या हो गया? पास्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट. तो पास्ट की बात है. अनफॉर्चुनेटली जस्ट एज वी गॉट टू द एयरपोर्ट देयर प्लेन ऑफ. दुर्भाग्य से जैसे ही हम स्टेशन पर एयरपोर्ट पे पहुंचे उनका प्लेन उड़ चुका था. उड़ चुका था पास्ट से भी पहले. कौन सा टेंस है पास्ट से पहले? पास्ट का पास्ट. पुराना पास्ट किसे कहेंगे? पुराने पास्ट का नाम क्या है शालिनी? पास्ट डेफिनेट. पास्ट इनडेफिनेट तो पास्ट जनरल है सिंपल पास्ट. पास्ट डेफिनेट पास्ट परफेक्ट बेटे. पास्ट परफेक्ट. ये तो गॉट तो कौन सा हो गया? पास्ट इनडेफिनेट है ना? Yes, sir. लेकिन इससे पहले हुआ काम. जहाज पहले उड़ा था कि हम पहले पहुंचे थे एयरपोर्ट पे? हम पहले पहुंचे थे. जहाज पहले उड़ा था तब आप पहुंचे थे है ना? Yes. ये क्या कह रहा है? अनफॉर्चुनेटली जस्ट एज वी गॉट टू द एयरपोर्ट जैसे ही हम स्टेशन जब हम स्टेशन पे पहुंचे जहाज उड़ चुका था. ऑफ तो कौन पहले गया? जहाज पहले गया कि तुम पहले गए? जहाज पहले गया. जहाज पहले गया तो जहाज क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट में कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड. एड प्लस थर्ड फॉर्म. वेरी गुड. अनफॉर्चुनेटली जस्ट एज वी गॉट टू द एयरपोर्ट देयर प्लेन हैड टेकन ऑफ. चलो भाई जहाज आगे उड़ रहा है. Had taken off. Please, had taken off. दो काम हो रहे हैं इसमें. एक हमारा पहुंचना एक जहाज का उड़ना. तो जो काम पहले हो जाता है उसे किस में बनाएंगे? Had plus third form में. पहले काम कौन सा हुआ? प्लेन टेक ऑफ हुआ. उड़ गया. तो हैड प्लस टेकन. ठीक है लिख लिया? यस सर. जी नेक्स्ट. डीप दे डैश टू द मूवीज ओनली वंस इन ए वाइल. कभी कभार ही मूवी देखते हैं. वो हर रोज मूवी देखते हैं. हम रोज घूमने जाते हैं. हम हर रोज अपना होमवर्क करते हैं. कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट. वेरी गुड. वेरी गुड. प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होती है? सारी हैबिट सारे रूटीन है ना यूजुअली होने वाले काम. तो ये क्या है? वो कभी कभार भी क्या है? रिपीट होने वाला काम है. रिपीट होने वाला कभी कभी. तो हम क्या लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म. तो ये फर्स्ट फॉर्म ही दी हुई है. गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म. तो गो का गो एज इट इज लगेगा. दे गो टू द मूवीज ओनली वंस इन ए व्हाइल.
बस क्या करते हैं इसमें, अगर यहाँ ही हो तो गोज एस लगा देंगे गो के आगे, लेकिन यहाँ तो दे है, थर्ड पर्सन है, इसमें क्या लगेगा? दे गो टू द मूवीज ओनली वंस इन ए व्हाइल। नंबर एट, दीप ने अनम्यूट नहीं किया, अभी दीप तो नहीं बोला, दीप अनम्यूट करें, विकास म्यूट कर ले अपने को। यस, दीप ने किया नहीं, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। आई वॉज टायर्ड यस्टरडे बिकॉज आई डैश वेल द नाइट बिफोर। यस्टरडे आ गया इसमें, देखो इसमें भी यस्टरडे था, यस्टरडे लास्ट नाइट, कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, वेरी गुड। पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म, लेकिन जब नॉट लगाओ तो नॉट प्लस डिड प्लस, डिड प्लस, वेरी गुड। तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो क्या लगा देंगे? सिर्फ फर्स्ट फॉर्म तो है ही लगी हुई, नॉट से पहले डिड लगा देंगे, नॉट से पहले डिड, क्या बन गया? डिड नॉट स्लीप। आई वॉज टायर्ड यस्टरडे बिकॉज आई डिड नॉट स्लीप वेल द नाइट बिफोर। द नाइट बिफोर, दो दो पहचान है इसमें उसकी, पास्ट इंडेफिनिट की, यस्टरडे है, नाइट बिफोर है ना, और क्या है उसकी पहचान? लास्ट नाइट है, यस्टरडे मॉर्निंग है, ये सारी जो है पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है, जो हमें बताती है कि इस सेंटेंस में या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या डिड नॉट के साथ वर्ब की, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस इज, समवन डैश टू आवर कन्वर्सेशन। कौन सा काम है ये? अभी हो रहा है, हमारे बोलते समय हम कहते हैं समवन टू आवर कन्वर्सेशन। कौन सा टेंस हुआ? हुसन, हुसन प्रीत, अभी बोल, कंटिन्यूअस। यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अभी हो रहा है, कंटिन्यू। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या फर्क है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम बार बार होता है, रिपीट होता है ना, हर रोज होता है, हफ्ते में 10 दिन होता है, हफ्ते में 3 दिन होता है, हफ्ते में 10 बार होता है, इस तरह से रिपीट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या पहचान है? अभी इस समय पक्का चल रहा है, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम टेंसेस सीख रहे हैं, ये कौन से काम है जो अभी बोलते समय हो रहे हैं। अब जब तुम किसी को कहते हो चुप, बच्चा सो रहा है, चुप, टीचर बोल रहा है, ये कौन सा काम है? कंटिन्यूअस, अभी जो हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं? इज एम आर के साथ, इज एम आर के साथ, आई एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी, तो क्या बन गया? समवन इज लिसनिंग, इज लिसनिंग, समवन इज लिसनिंग। नंबर 10, When I left the house this morning, left the house this morning, left, leave, left, left, कौन सी फॉर्म है left? Second form हो गई, तो कौन सा tense हो गया ये? Past tense। आज clear नहीं आ रही जी, वो इस clear नहीं आ रही सभी को? हाँ, past indefinite होगा left ना? वो इस clear नहीं आ रही सर जी। नहीं क्लियर है बाकियों को? हुसैन, सुशील, बेटे आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, दोबारा एक बार देखो। चलिए, व्हेन आई लेफ्ट द हाउस दिस मॉर्निंग, जब आज सुबह मैं घर से निकला, इट डैश ऑलरेडी रेन, ये इसके जैसा सेंटेंस देखो, ऊपर कौन सा था? नंबर 4, नंबर 4 इसके जैसा था, व्हेन द क्लाइंबर रीच्ड माउंट एवरेस्ट। तो कौन सा टेंस हुआ ये? व्हेन आई लेफ्ट द हाउस दिस मॉर्निंग, घर से जब निकला उस समय एक और काम चल रहा था, कौन सा टेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट।
पास्ट परफेक्ट में तो खत्म हो गया बेटे, सॉरी ये चल रहा है, चल रहा था काम। ये कौन सा था नंबर फोर? नंबर फोर देखो क्या लिखा था नंबर फोर, कौन सा टेंस नंबर फोर? नंबर फोर पास्ट कंटिन्यूअस, वेरी गुड। एक काम चल रहा है, रेनिंग हो रही है, तो क्या बन गया? When I left the house this morning, it was already raining. इसमें already आ गया ना बेटे, already का मतलब हो चुकी थी बारिश। बारिश क्या क्या थी? हो चुकी थी। Already से वो past perfect में चली गई। Already से, अगर already ना होता तो was raining ठीक था, है ना? लेकिन अब ऑलरेडी आ गया, ऑलरेडी मतलब हो चुकी थी, तो क्या बनेगा? हैड रेन्ड, इट हैड ऑलरेडी रेन्ड। लिखो हैड ऑलरेडी रेन्ड, ईडी आर ए आई एन ई टी। कौन सा टेंस बना? ये पास्ट परफेक्ट बन गया, पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी की वजह से। किसकी वजह से? ऑलरेडी की वजह से। चलिए नेक्स्ट नंबर 11। आई थिंक बॉब फॉर लंदन दिस वेरी मोमेंट, दिस वेरी मोमेंट। अभी अभी बताया था मैंने, अभी बोलते समय हो रहा है काम, अभी इसी समय बॉब लिविंग लीव कर रहा है, जा रहा है। कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जिसकी आवाज आ रही है बंद करो, अनम्यूट कर लो। तो क्या बना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो बॉब कौन है? एक सिंगुलर नंबर इज, तो क्या होगा? आई थिंक बॉब इज लिविंग, बॉब इज लिविंग, आई एन जी, ई को हटा के आई एन जी। आई थिंक बॉब इज लिविंग फॉर लंदन दिस वेरी मोमेंट। बॉब अभी भी अभी लंदन के लिए निकल रहा है। द प्लेन डैश ऑफ इन ए फ्यू मिनट्स, इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में प्लेन, फ्यूचर टाइम, फ्यूचर इनडेफिनेट। क्या हो गया? द प्लेन विल टेक ऑफ इन ए फ्यू मिनट्स, ठीक है। इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बनाते हैं, जैसे कोई कहते हैं ना कि अभी हमारे घर मेहमान आएंगे, और अभी हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, आज शाम को हमारे घर मेहमान आएंगे, ये भी कह सकते हैं, और आज शाम को हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। तो इसको हम फ्यूचर इनडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों में बना सकते हैं, राइट? तो क्या बनेगा? द प्लेन इज टेकिंग ऑफ भी ठीक है, और विल टेक ऑफ भी ठीक है। इज टेकिंग ऑफ और विल टेक ऑफ, दोनों लिख लो आप ब्रैकेट। क्या लिखा विकास? विकास लिखा। बारहवें का क्या लिखा? टेकिंग जी, बस खाली टेकिंग। द प्लेन, हाँ, द प्लेन के बाद क्या लिखना? इज, आई एस, द प्लेन इज टेकिंग ऑफ, इज टेकिंग ऑफ लिखो, या विल टेकिंग, विल टेक ऑफ, विल के साथ आई एनजी नहीं आएगा फिर, तो इज टेकिंग ऑफ या फिर विल टेक ऑफ, दोनों लिखो। नंबर 13, I dash up at 7 every morning. Every morning मेरे को repeat हो रहा है, 7 बजे हर रोज daily। ये कौन सा tense हो गया सुशील? 7 every morning, है? सुशील, very good, present indefinite हो गया। I up at 7 every morning, तो इसका कौन सा है? get है, फर्स्ट फॉर्म, तो गेट की गेट आ जाएगी, गेट की
गेट आई गेट अप एट 7 एवरी मॉर्निंग बट दिस मॉर्निंग अब आगे दिस मॉर्निंग आई डैश लॉन्ग दिस मॉर्निंग क्या हो गया पास्ट समय बीत गया है दिस मॉर्निंग क्या हो गया पास्ट इनडेफिनेट तो स्लीप की क्या क्या कौन सी फॉर्म बनेगी सेकेंड फॉर्म पास्ट इनडेफिनेट में क्या लगेगा सेकेंड फॉर्म तो क्या बन गया स्लेप्ट बट दिस मॉर्निंग आई स्लेप्ट SLEPT एंड आई डैश अप अंटिल 8 आई डैश अप अंटिल 8 8 भी पास्ट है 8 भी चला गया ना मॉर्निंग भी चली गई 8 भी चला गया तो दोनों पास्ट इनडेफिनेट हैं ये वाला भी भर दिया हमने स्लेप्ट हो गया अब नॉट गेट भरना है नॉट गेट भरना है तो क्या आएगा भाई पास्ट इनडेफिनेट में नॉट गेट का did not very good क्या बन गया did not get चलो तीनों मिला लो 13 का पहला क्या हो गया get दूसरा दूसरा slept और तीसरा did not get का get चलिए नंबर 14 आई डैश माय वॉच बिकॉज इट इज बीइंग फिक्स्ड घड़ी ठीक हो रही है इसीलिए नहीं पहनी है मैंने कौन सा टेंस है मैं घड़ी इसलिए नहीं पहने हुए हूं क्योंकि वो ठीक हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट है बेटे कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट हाँ तो क्या बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है प्रेजेंट परफेक्ट है क्या ऐसे नहीं बोलते प्रेजेंट परफेक्ट में एज या हैव एज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म तो क्या बन गया आई के साथ क्या हैव आई के साथ हैव बेटे हैड नहीं हैड तो पास्ट परफेक्ट में हो गया हैड किस में होगा पास्ट परफेक्ट में यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है ये इस आ गया ना इस किसका संकेत है प्रेजेंट का है ना तो प्रेजेंट में हम क्या लगाते हैं हैज या हैव ही शी इट के साथ हैज और बाकी सब के साथ हैव तो ही शी इट तो नहीं है यहाँ पे आई है इसलिए हम क्या लगाएंगे आई हैव नॉट वोन वियर की थर्ड फॉर्म लगाएंगे WORN लिख लो हैव नॉट Worn. WORN worn. चलिए नेक्स्ट जल्दी टाइम होने वाला है क्लास का दिस डैश एन इजी क्विज सो फार अभी तक ये क्विज बहुत आसान रहा है ये भी यही टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट सो फार प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है सो फार है ना येट जस्ट बाय नाउ ऑलरेडी इसकी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट तो ये सो फार क्या बता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या बन गया वही यहाँ क्या लगाया था हैज प्लस थर्ड फॉर्म है ना हैव प्लस था इसमें भी फिर दिस के साथ क्या लगेगा हैज या हैव हैज दिस के साथ हैज सो दिस हैज बीन बी की थर्ड फॉर्म बीन दिस हैज बीन एन इजी क्विज सो फार This has been easy quiz so far. Number 16. They dash in an apartment right now. अभी इस समय बोलते समय. Right now का मतलब बोलते समय. बोलते समय कौन सा tense है? Present indefinite. Present continuous. बेटे present continuous. Continue. हाँ तो क्या आएगा फिर ये? ing is mr के साथ ing हाँ तो they के साथ ही जाएगा क्या r r r r तो क्या बन गया they are living living they are living in an apartment right now किससे पता चला हमें present continuous है right now से किसे
राइट नाउ अभी इसी समय फिलहाल एट दिस टाइम नाउ नंबर 17 एवरीवन व्हेन द अर्थक्वेक हिट द स्मॉल टाउन छोटे शहर में अर्थक्वेक आया था हिट कौन सी फॉर्म है सेकंड फॉर्म है सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस हुआ पास्ट इनडेफिनेट तो पास्ट में अर्थक्वेक आया था उस समय बाकी लोग क्या कर रहे थे कोई काम हुआ था कौन सा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस स्लीप क्या है पास्ट कंटिन्यूअस क्या बन गया पास्ट कंटिन्यूअस में एवरीवन वाज स्लीपिंग एवरीवन वाज स्लीपिंग पास्ट कंटिन्यूअस क्यों बना पास्ट में किसी निश्चित समय पर दूसरा काम जारी था चल रहा था लोग सो रहे थे जब भूकंप आया है ना जैसे तुम कहते हो हम टीवी देख रहे थे जब बिजली गई हम खेल रहे थे जब फोन आया कौन से काम है ये पास्ट में किसी निश्चित समय पर कोई काम हो रहा है दूसरा नंबर 18 ही डैस बाय हरसेल्फ सिंस हर डिवोर्स Since her divorce, since for, since morning, since 20 years, for 20 years, कोई काम अब तक चल रहा है अब तक चल रहा है present perfect, very good. पहला sentence था वो तो क्या बन गया present perfect में as have के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस बेटे परफेक्ट कंटिन्यूअस सिंस और फॉर वाला कौन सा है परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या लगेगा हैज बीन या हैव बीन ही के साथ हैव बीन ही के साथ हैज बीन हैज बीन वो क्या बन गया ही हैज बीन लिविंग ही हैज बीन लिविंग लिविंग बाय हरसेल्फ सिंस हर डिवोर्स जब से उसका तलाक हुआ है तब से अकेली रह रही है I was angry. यहाँ पे टेंस पता चल गया I was angry. पास्ट की बात है That such a stupid mistake. अब उससे भी पास्ट हो गया ये. Make जो है ये पास्ट है ये उससे भी ज्यादा पुराना पास्ट पुराने पास्ट को क्या बोलेंगे पास्ट परफेक्ट वेरी गुड पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा एड प्लस एड प्लस थर्ड फॉर्म तो क्या बन गया अब I was angry that I had made had made such a stupid mistake. Or number 20, last sentence for today is I predict that by 2020 man by 2020 ये future की बात है यहाँ पे prediction है ना predict का मतलब भविष्यवाणी है ना तो ये क्योंकि पुराना किसी ने सेंटेंस बनाया होगा इसलिए 20 है अब हम यहाँ पे मान लो 230 कर दें 2030 तो सीधा क्या पता चलेगा फ्यूचर हो गया हाँ जी हाँ तो फ्यूचर में क्या बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या होता है विल शैल शैल विल और वर्ब की फॉर्म तो मैन के साथ विल आई प्रेडिक्ट दैट बाय 2030 मैन विल लैंड ऑन मार्स लैंड ऑन मार्स पुराना सेंटेंस है ना इसलिए इसमें 2020 लिखा हुआ है तो इसमें आप लिखेंगे प्रेडिक्शन की वजह से लिख देंगे प्रेडिक्ट भविष्यवाणी भविष्य में होती है ना भविष्य के लिए इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे विल लैंड राइट तो ये हमारा आज की प्रैक्टिस हो गई अब ये सब आराम से लिख लोगे ना वीडियो रोक के इसको आराम से अपनी कॉपी में लिख लेना है और अभी कोई डाउट हो तो अभी एक मिनट है हमारे पास सब कुछ हो नहीं तो फिर सर हाँ बोलो सर ये जो ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर था हाँ सर उसमें एक क्वेश्चन सर उसके फेस में तो वो मतलब तेजाब से हुआ था ना जो हुआ था हाँ जी हाँ जी पर ये क्वेश्चन है सर वन साइड ऑफ डेरी फेस वाज वन साइड ऑफ डेरी फेस वाज हाँ सर इसका आंसर ये लिखा हुआ हेड स्पॉट
हेड स्पॉट, हाँ ठीक है, स्पॉट भी, स्पॉट का मतलब दाग का निशान, दाग पड़ गया था उसको जलने से, है ना। स्पॉट का मतलब होता है दाग, तो दाग, बड़ा दाग पड़ गया था ना जलने से उसको, तो सर, अगर इसका